इस धरती पे देखा जाए ना तो अपने पेट पालने के लिए एक पति जो है मेहनत करता है, अपने बच्चे पालने के लिए एक पिता मेहनत करता है, वो किसी भी हद तक गुजर जाता है। मेरे बगल में एक वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, इस वीडियो में एक दीदी है और ये दीदी समस्तीपुर की है। हम लोग कहीं जा रहे थे तो ये दीदी स्टेशन पर मिल गई और इस दीदी से जब हम लोगों ने पूछा कि आपके पति क्या करते हैं तो बोली कि पति भी काम करते हैं और हम भी काम करते हैं, और ये दीदी ई रिक्शा चलाकर अपने पति को और अपने बाल बच्चे को पेट भरने के लिए सपोर्ट करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी खबर और मेरा नाम है सदाम सरगम। दरअसल बात ऐसा होता है, ये इनके जो पति हैं वो भी कमाते हैं और ये भी कमाती हैं। अभी किसी औरत को आप बोल दिया जाए, हमारे यहाँ किसी औरत को अगर कह दिया जाए कि तुमको जाके खेत में कमाना है तो 17 नखरे दिखाएंगी और कहेंगे कि मैं मायके में ये सब नहीं की हूँ, ससुराल में क्यों करूंगी। लेकिन ऐसे दीदी को धन्य है, नमन है मेरा कि ये अपना ई रिक्शा चला के अपने पति और अपने बच्चों को पेट पालन करती है, जहां कि इनके पति भी काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। आप लोग समझ सकते हैं, ऐसा करने से कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंसान आगे ही बढ़ता है, पीछे के तरफ नहीं बढ़ता है। एक किसी भीख मांगने वाले से जाकर आप पूछिए कि कितना कमाते हैं तो वो भी बताता है कि हम दिन में 1 से 2 हजार रुपया कमा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो लेवल एक नीचा है। और मेहनत करके, मजदूरी करके ये दीदी जो है ई रिक्शा चलाकर अपने पति और अपने बच्चों का पेट भरती है। ऐसे दीदी को सलाम है मेरा, और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और उस हर महिला के पास पहुंचा दीजिए जिनके पास नखड़े होते हैं और कहती हैं कि मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, मेरे से मेहनत नहीं होगा। देख लीजिए ऐसे औरतों के मुंह पे तमाचा है। बने रहिए भोजपुरी खबर के साथ, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।